हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, केमिकल इंडस्ट्री के पांच ऐसे जबरदस्त स्टॉक जो पिछले पांच साल में अपने शेयर होल्डर्स को कई गुना रिटर्न दे चुके हैं और आज भी आने वाले नेक्स्ट फाइव इयर्स में कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं है तो आप एक बिग अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, और अगर हैं तो अच्छी बात है, गिरावट में डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन से स्टॉक हैं, क्यों हैं, किस तरीके से हैं, एक केमिकल इंडस्ट्री को क्यों कहा जाता है कि आगे आने वाले वक्त में भी परफॉर्म करेगा, इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, तभी तो बिना डरे अच्छे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख पाओगे। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आपको पैसे कमाने में हेल्प कर सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज़ सबसे पहले आपके पास। स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में पोटेंशियल होगा तभी स्टॉक 10x, 5x, 100x जैसा रिटर्न दे सकते हैं। तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ है, कितना पोटेंशियल है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। आज ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसने केमिकल का यूज़ ना किया हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। हर एक इंडस्ट्री में केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, कपड़ा, कागज, पेंट, साबुन, डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल्स, खेती, हर जगह। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि केमिकल के मामले में इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री की साइज दुनिया की 6थी सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है, एशिया में 3री सबसे बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है और भारत की इकोनॉमी में 7% का हिस्सा कवर करती है। पूरे वर्ल्ड की केमिकल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $5 trillion से ऊपर की है और भारत की मार्केट पूरे वर्ल्ड के केमिकल मार्केट में 3% की हिस्सेदारी रखती है। जी हाँ, 3%। 2019 में इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन लगभग $178 billion थी और आज की डेट में लगभग $232 billion के आसपास है, और उम्मीद की जा रही है 9.3% के CAGR की दर से 2025 तक ये इंडस्ट्री $304 billion के पास पहुंच जाएगी। साथ ही साथ केमिकल प्रोडक्ट की डिमांड में 9% पर ईयर ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। आज भारत में 80,000 से ज़्यादा डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। आज भी कई तरह के केमिकल ऐसे हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का गोल है 2034 तक देश में इंड टू इंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जी हाँ, जिस देश में इंटरनली ये सारी फैसिलिटी रहती है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि ये की है हर एक इंडस्ट्री के लिए, एंड दैट्स द बिग रीजन गवर्नमेंट इंड टू इंड इस चीज पर फोकस कर रही है। तो इस तरीके से आपने देखा हमारी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रोथ कर रही है या उसका क्या पोटेंशियल है, लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टर के नज़रिए से देखा जाए तो अभी केमिकल इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे शेयर में 20-35% तक की गिरावट हुई है और लोग डरे हुए कि आखिर ये गिरावट क्यों। चाहे आप दीपक नाइट्राइट ले लें, बालाजी एमिन्स ले लें, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ले लें, नवीन फ्लोरिन ले लें, अतुल लिमिटेड ले लें, करेक्शन के फेज में, करेक्ट। वहाँ पर जब हम इस स्टॉक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आप उनके फाइनेंशियल में भी देखेंगे कि 2021 में गिरावट है। तो क्यों है ऐसा, क्या ये गिरावट डरने की बात है या क्या है कहानी, इनको हम पहले कंपनी को जान लेते हैं, कंपनी से दोस्ती कर लेते हैं और तब वीडियो के लास्ट में इस गिरावट के करेक्शन के चीज़ों को समझेंगे। अब हम आपको उस स्टॉक पर लाते हैं जो इन्वेस्टर को बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं या दे रहे हैं, जिसमें पहला नाम है आरती इंडस्ट्री का। जी हाँ, आरती इंडस्ट्री स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक काउंट होती है इंडिया में। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019 में 4700 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। कंपनी की देश में कुल 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और 5200 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। आरती इंडस्ट्री के दो डिवीज़न हैं, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स। केमिकल डिवीज़न में कंपनी बेंजीन बेस्ड इंटरमीडिएट्स, बेसिक केमिकल्स
स्पेशलिटी केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रोकेमिकल के लिए इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चर करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स डिवीजन में कंपनी मेजर फार्मा इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ या खास चीज़ कहें कि इस कंपनी को दूसरों से अलग करती है, वो है कंपनी की नॉलेज ड्रिवन। जी हाँ, नॉलेज ड्रिवन कंपनी है ये। डोंबिवली और वापी में कंपनी के 3 R&D सेंटर हैं जो फार्मास्यूटिकल्स, API और केमिकल के एक्सपेरिमेंट पर फोकस्ड हैं, और जिनका R&D तगड़ा वो कंपनी हमेशा तगड़ी। इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल से 82.6% का रेवेन्यू और बाकी 17.4% का रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल से आता है। लोकेशन वाइज देखेंगे तो 61% बिजनेस इंडिया से, 6% चाइना से, 11% यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका से 7%, बाकी के 12% दुनिया के दूसरे देशों से आता है। तो एक बात तो क्लियर है कि इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल कस्टमर बेस हमने आपको पहले भी बताया था कि अमेजॉन जैसे क्लाइंट हैं, और कंपनी में खास बात इनके फाइनेंस पे नज़र डालते हैं तो आप फाइनेंस देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू है साल दर साल बढ़ा है, इनका जो नेट इनकम है वो लगातार बढ़ा है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 में मामूली सी गिरावट देखी गई है। अब इनके शेयर होल्डिंग पे नज़र डालिएगा तो प्रमोटर होल्डिंग लगातार घटी है और आज के डेट में 44.21% पे है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की है और अभी उनकी होल्डिंग 8.44% पे है। FII की होल्डिंग लगातार बढ़ी है और अभी 11.86% पे है। वहीं पे रिटेल वाले मोटा मोटी कॉन्स्टेंट 29.18% होल्डिंग के साथ हैं। अब चलते हैं दूसरी कंपनी पर, अतुल लिमिटेड। 1947 में शुरू हुई थी, 900 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और 400 फॉर्मुलेशन बनाते हैं। साथ ही कंपनी 140 रिटेल ब्रांड को ओन करती है। कंपनी ने अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में शुरू की थी और अब इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है। इनके कस्टमर बेस की बात करें तो 90 देश में 30 इंडस्ट्री में 4000 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर इनके पास हैं। बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस देने के लिए कंपनी ने US, UK, UAE, चाइना, ब्राज़ील में भी अपनी सब्सिडरी खोल रखी। रेवेन्यू पे देखिए तो परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल से 66.1% का रेवेन्यू है, लाइफ साइंस केमिकल से 32.6% का है और अदर से 1.3% का है। वहीं पर अगर आप इनके टोटल फाइनेंशियल की तरफ चलोगे तो आप पाओगे कि टोटल रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई है, बट फाइनेंशियल 2021 में एक डीप दिख रहा है। उसी तरीके से नेट इनकम देखो, लगातार बढ़ोतरी हुई है लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में डीप दिख रहा है। वहीं पर आप इनके प्रमोटर होल्डिंग यानी होल्डिंग्स में चलो किसकी कितनी है तो आप पाओगे कि इनकी होल्डिंग्स प्रमोटर की 44.94 है, लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो इनके प्लेज शेयर 1.69% हुआ करते थे जो आज के डेट में सिर्फ 0.68% है। यानी कहीं ना कहीं प्रमोटर ने एक तो मामूली शेयर गिरवी रखे थे और उन मामूली गिरवी शेयर को भी हटाया है, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगेन म्यूचुअल फंड देखो तो म्यूचुअल फंड हाउसेज ने अपनी पोजीशन को लगातार काटी है और लगातार प्रॉफिट बुक की है जिसके कारण म्यूचुअल फंड हाउस की होल्डिंग्स नीचे है। वहीं पर आप देखो FII की पोजीशन लगातार इस स्टॉक में बढ़ी है और 10.22% पर है और रिटेल वालों का देखोगे तो 22.64% के पास ऑलमोस्ट इक्वल है। नेक्स्ट है विनती ऑर्गेनिक्स। 1989 में शुरू हुई थी, यह एरोमेटिक्स, मोनोमर्स, पॉलीमर, स्पेशलिटी केमिकल, बायोकेमिकल प्रोड्यूस करती है। अपनी कंपनी के पास 2 R&D सेंटर हैं, दोनों महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में हैं। इनके प्रोडक्ट की बात करें तो आइसोबुटीन बेंजीन, 2 एक्रिलोमिडो, 2 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड यानी जिसे ATBS कहा जाता है इनके मेन प्रोडक्ट हैं, जिनकी सप्लाई 35 से ज़्यादा कंट्री में होती है। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया के लगभग सारे देश इसके प्रोडक्ट लेते हैं। 35 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्शन का निर्यात करते हैं। इनके ग्राहक अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप जैसी कंट्रियां जो मैंने आपको बताया ही। सेगमेंट वाइज अगर इनके रेवेन्यू को आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल से 97.7% का रेवेन्यू और अदर से
2.3% का रेवेन्यू आता है। कंपनी का ऑपरेशन इंडिया में ही होता है जबकि इनका कस्टमर बेस वर्ल्ड के 35 कंट्री में है। इंडिया से लगभग 31% बिजनेस जनरेट करते हैं जबकि वर्ल्ड से 69% का बिजनेस मिलता है। तो ये थी कंपनी की प्रोफाइल। अब हम आते हैं इनके फाइनेंशियल पे, तो नेट इनकम आप देखेंगे लगातार बढ़ा है, 2021 में गिरावट आई है और रेवेन्यू भी देखेंगे लगातार बढ़ा है लेकिन 2021 में गिरावट आई है। अब इनके प्रमोटर होल्डिंग की तरफ या ओवरऑल होल्डिंग की तरफ चलते हैं कि किसकी क्या पोजीशन है, तो आप यहां पे पाओगे इनकी प्रमोटर होल्डिंग 74.06 है, यानी अभी तक जो भी आपने देखा वहां पर सबसे ज्यादा इन्हीं की है। म्यूचुअल फंड वाले, ये एक ऐसा शेयर है जहां पे अपनी पोजीशन को काट के नहीं निकले हैं, 6.51% के साथ होल्डिंग को मेंटेन करे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे FII की पोजीशन भी, वो भी 4.5% के मोटा मोटी पास में खड़ी है और रिटेलर की पोजीशन 14.62% के पास है। तो ये है अगेन एक अच्छा शेयर। नेक्स्ट है नवीन फ्लोरीन। जी हाँ, नवीन फ्लोरीन देश के रिस्पेक्टेड ग्रुप्स में मफतलाल ग्रुप की काउंट एक सब्सिडरी कंपनी है। आज कंपनी के पास देश का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फ्लोरोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्पेशलिटी केमिकल फ्लोरीन के केमिस्ट्री पर R&D और स्टडी होती है। कंपनी मोस्टली 4 सेगमेंट में काम करती है, स्पेशलिटी ऑर्गेनिक फ्लोरोकेमिकल, रेफ्रिजरेंट गैसेस, बल्क फ्लोराइड्स और क्रैम्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सूरत, गुजरात, देवास, मध्य प्रदेश में है। और ये कंपनी के साथ सबसे प्यारी चीज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा BF3 प्रोड्यूसर और भारत का सबसे बड़ा HF प्रोड्यूसर, साथ ही साथ भारत में एकमात्र फ्लोरस्पार बेनिफिशियल कंपनी में NFIL के कुछ स्टेक भी हैं। पिछले कुछ साल में कंपनी ने 40 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं और इनका कमर्शियल स्केल पर सेल भी है। पिछले 5 साल में कंपनी R&D पर बहुत ध्यान दे रही है जिसके लिए उन्होंने एडवांस रिसर्च सेंटर के लिए काफ़ी इन्वेस्ट किया है। आज कंपनी के पास दुनिया के Fortune 500 कंपनियों में से कई कस्टमर हैं। दुनिया की 10 सबसे फार्मा केमिकल बनाने वाली कंपनियों में 5 कंपनियां तो इन्हीं की कस्टमर हैं, आप इसी से समझ सकते हैं। इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो कंपनी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से आता है जो 40% है, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से 17%, रेफ्रिजरेंट से 18.4%, क्राम से 24.6% का आता है और लोकेशन वाइज देखेंगे तो 50% रेवेन्यू इंडिया से, 50% अदर वर्ल्ड से यानी बाकी कंट्रीज से आता है। अगर आप इनके नेट इनकम की तरफ चलते हो, फाइनेंशियल की तरफ, तो आप पाओगे 2018 में अच्छा था, 2019 में थोड़ा डीप आया, 2020 में अगेन तेजी हुई लेकिन 2021 में गिरावट। टोटल रेवेन्यू में भी सेम कहानी कि टोटल रेवेन्यू यहाँ पर इनका लगातार बढ़ा है और 2021 में गिरावट नहीं दिखी है। वहीं पर अगर आप इनके प्रमोटर होल्डिंग की तरफ चलोगे तो आप पाओगे कि इनकी प्रमोटर होल्डिंग में, सबसे पहले हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, तो 30.20 है। वहीं पर इनका जो प्लेज शेयर है वो 0.91% का है, मामूली। म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार अपनी पोजीशन को घटाया है और आज के डेट में 12.45% पे हैं। FII ने लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाई है और 26.43% पे हैं और रिटेल वाले 28.20% की होल्डिंग पर हैं। नेक्स्ट शेयर है दीपक नाइट्राइड। कंपनी ने गुजरात में नंदेसरी, दहेज, गुजरात, महाराष्ट्र में रोहा, तलोजा, तेलंगाना में हैदराबाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाए रखे हैं। इनकी प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी एग्रोकेमिकल्स, क्लोरेंट, रबर, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी, फाइन केमिकल्स सहित केमिकल्स का स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। जी हाँ, 30 से ज़्यादा देशों में ये अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। रिलायंस, UPL, इंडियन ऑयल जैसे कॉरपोरेट इनके कस्टमर लिस्ट में शामिल हैं, यानी अगेन बिग नेम इनके पास आते हैं। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो कंपनी का मोस्टली बिजनेस लगभग 70.8% इंडिया से आता है, 4.4% एशिया के अन्य देश से, 13.4% यूरोप से आता है। तो इस तरीके से कहानी इनकी अलग अलग बनी हुई है। प्रोडक्ट वाइज देखेंगे तो फिनोलिक्स से 53.4% का रेवेन्यू जनरेट होता है, बेसिक केमिकल से 16.5% का, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 28.2% का, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 1.9% का आता है।
वहीं पर अगर आप इनके फाइनेंशियल को देखोगे तो टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, नेट इनकम लगातार इंक्रीज हुआ, यानी जहां आप दूसरी जगह ये देख रहे थे कि नेट इनकम में गिरावट थी, हर जगह 2021 में ये एक इकलौता शेयर ऐसा दिखा जहां नेट इनकम में गिरावट नहीं बल्कि बढ़ोतरी है, और बढ़ोतरी भी धमाका तौर पे, ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में। वहीं पर अगर इनके होल्डिंग्स पे नज़र जाएंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 45.69% इक्वली लगातार है, म्यूचुअल फंड वालों ने प्रॉफिट बुक करके अपनी होल्डिंग्स को नीचे किया है 7.60 है, FII की होल्डिंग्स 10.85% की है और रिटेल वालों का माल यहाँ पर 32.85% का है। तो इस तरीके से आपने अच्छे स्टॉक को देख लिया। अब आते हैं कि स्टॉक में गिरावट क्यों है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए जिससे हमें भी हौसला मिले। और ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोगों के पास होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका भाई आपको बेस्ट कंटेंट देता है, आपके लाइफ में 1% की भी वैल्यू एडिशन करता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इससे अकाउंट ज़रूर ओपन करें जिससे हमें भी आपका मोटिवेशन और प्यार मिलता रहे। तो केमिकल इंडस्ट्री में जो करेक्शन हो रही है, इसके दो मेन रीज़न है। पहला है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ सालों में केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक में 400% तक का ग्रोथ मिला है, जी हाँ 400%, जिसके कारण अभी प्रॉफिट बुकिंग तेज हुई है, लोग शेयर सेल कर रहे हैं, शेयर का रेट नीचे आ रहा है। वहां पर आपने देखा म्यूचुअल फंड ने भी किस तरीके से मोटा माल काटा है। तो प्रॉफिट बुकिंग एक हेल्दी चीज होती है उस स्टॉक को मजबूती देने के लिए, उस स्टॉक को पावर देने के लिए, ना कि डरने के लिए। वहां पे अगर हमें इंडस्ट्री का फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी के काम करने का तरीका, ये सब चीजें क्लियर होती हैं तो कहीं डर नहीं लगता है। लेकिन करेक्शन का एक और दूसरा कारण भी है, रॉ मटेरियल का महंगा होना। अगर आप गौर करें तो पिछले 2 साल में कमोडिटी का रेट काफी बढ़ा है, और ये मार्केट का रूल है कि जब कमोडिटी का रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट डाउन आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमोडिटी का प्राइस बढ़ने का मतलब है रॉ मटेरियल बढ़ना, और रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने का मतलब है कंपनी के प्रोडक्शन की लागत बढ़ना, जिससे प्रोडक्ट महंगे होने लगते हैं और सेल में कमी आती है। जब सेल में कमी आती है तो क्वार्टर रिजल्ट भी गड़बड़ होंगे, उनके खर्चे भी बढ़ेंगे, और क्वार्टर रिजल्ट गड़बड़ होंगे तो शेयर पर भी इम्पैक्ट आता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मिलकर इम्पैक्ट कर रही हैं, और वहाँ पर मेरा मानना है कि अगर हम अच्छे शेयर पर फोकस करेंगे, अच्छे शेयर पर नज़र रखेंगे, तो ये जो शेयर हमने आपको बताए हैं करेक्शन में एक बेहतर मौका है। इनके चार्ट के हिस्ट्री में आप जाके देखें, क्या इन्होंने 4% का ग्रोथ ऐसे ही दे दिया? ना, तेजी मंदी तेजी मंदी तेजी मंदी करते हुए ही इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है, और आगे आने वाले भविष्य में भी सिर्फ ऊपर नहीं, ऐसे ही तेजी मंदी करते हुए ऊपर जाएंगे। तो मेरी नज़र में ये थी पूरी कहानी। आई होप समझाने का तरीका, बताने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।